हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर गिवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन परमानेंट प्लांट के बारे में बताऊंगा जो कि पूरी गर्मियां हमारे गार्डन को कलरफुल बनाए रखते हैं। और तो और, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्लांट दिखाऊंगा ये सभी नर्सरी में हमें बहुत ही आसानी से देखने को भी मिल जाते हैं और इनका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। प्लांट का प्राइस भी मैं बताऊँगा ताकि आपको प्राइस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो पाए। इसमें पहला प्लांट है ये टर्टल वाइन, देख सकते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हैंगिंग बास्केट में ग्रो करेंगे तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। ये प्लांट आपको पॉली बैग में नर्सरी में 20 से 30 रुपीस में मिल जाता है, और ना मिले तो आप नर्सरी वाले से पूछ कर कटिंग भी ला सकते हैं। कटिंग भी आप परचेस कर सकते हैं, कटिंग भी वो दे देते हैं, क्योंकि मैंने एक दो बार कुछ ऐसे महंगे प्लांट थे उनकी मैं कटिंग वहाँ से परचेस करके लाया था। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये बेबी टीयर्स। ये भी हैंगिंग बास्केट में सुंदर लगता है और कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। और तो और, ये प्लांट भी पॉली बैग में 20 से 30 रुपीस में मिल जाता है। अगर आपके एरिया में ये महंगा मिलता हो तो आप कटिंग ही परचेस करके लाइएगा। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये जेट प्लांट। ये भी हैंगिंग बास्केट में सुंदर लगता है और इसकी भी आप इस तरह की कटिंग लेकर इसे ग्रो कर सकते हैं। ये भी पॉली बैग में 20 से 30 रुपीस में मिल जाता है। एक बार अगर आप इसे परचेस करेंगे तो इसकी कटिंग लगाकर आप इसके ढेर सारे प्लांट बना पाएंगे। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट। इसमें रनर आते हैं और रनर से ये प्लांट बहुत ही ईजिली डिवाइड हो जाता है। ये भी 20 से 30 रुपीस में पॉली बैग में मिल जाता है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये पर्सलिन। काफ़ी सारे कलर में ये फ्लावरिंग प्लांट आता है और मार्च मंथ से इस प्लांट पर ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है और पूरी गर्मियां ढेर सारी ब्लूमिंग ये प्लांट करता रहता है। ये पोर्चुलाका है और ये भी पॉली बैग में 20 से 30 रुपीस में बहुत ही ईजिली हमें मिल जाते हैं। कटिंग मिले तो कटिंग अभी भी आप लाकर ग्रो कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये क्रिपिंग चार्ली। देख सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में ये भी सुंदर लगता है और कटिंग से ये भी बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को मैंने पॉली बैग में अपने एरिया की गवर्नमेंट नर्सरी से 10 रुपीस में परचेस किया था, तो ये बहुत ही ईजिली 20 से 30 रुपीस में बहुत ही ईजिली हमें नर्सरी में मिल जाता है। क्रोटॉन, काफ़ी सारे कलर में ये प्लांट आता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग का रिजल्ट रेनी सीजन में अच्छा देखने को मिलता है। गार्डन को बहुत ही कलरफुल बनाता है और नर्सरी में ये 50 रुपीस में पॉली बैग में इजीली मिल भी जाता है। वॉन्ड्रिंग ज्यू, काफ़ी सारी कलर और वेराइटीज़ में ये प्लांट आता है, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। और तो और, ये हमारे एरिया की गवर्नमेंट नर्सरी में 10 रुपीस में ही मिल जाता है। अगर आपके एरिया में महंगा मिलता हो तो आप कटिंग ही परचेज करके लाइएगा, क्योंकि ये कटिंग से भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। इसमें अगला प्लांट है ये विडेलिया। ये प्लांट पॉली बैग में 20 से 30 रुपीस में नर्सरी में मिल जाता है। इस तरह के जो हैंगिंग बास्केट प्लांट होते हैं ये आपको रोड साइड नर्सरी में बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाते हैं। कई बार हम लोग नर्सरी जाते हैं तो वहाँ पर ये नहीं मिलते हैं, लेकिन रोड साइड नर्सरी में काफ़ी सारी नर्सरीज एक के बाद एक होती हैं और वहाँ पर प्लांट का काफ़ी बढ़िया कलेक्शन होता है और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल होता है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये सेंसेवेरिया। काफ़ी सारी वेराइटीज़ में ये प्लांट आता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तेज़ी से डिवाइड होने वाला भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा मिलता है। लगभग 50 रुपीस में ये भी पॉली बैग में काफ़ी सारी वेराइटीज़ में मिल जाता है। कॉस्मोस, काफ़ी सारे कलर में ये प्लांट आता है, सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। गैलाडिया, ये भी हमेशा आपके गार्डन में ब्लूमिंग करने वाला प्लांट होता है, चाहे वो समर हो या विंटर, सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है और पॉली बैग में 20 रुपीस में ईजिली मिल भी जाता है। देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे कलर में आते हैं, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आप पूरे साल एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करना चाहते हैं जो पूरे साल ब्लूमिंग करता हो। रियो, देख सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है और इस प्लांट को एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है और हमें नर्सरी में 20 से 30 रुपीस में बहुत ही ईजिली मिल भी जाता है। सनफ्लावर, काफ़ी सारी वेराइटीज़ में आते हैं और सीड के बाद
फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद ये सीड भी बनाता है और नर्सरी में 20 रुपीज़ में पॉली बैग में इजीली मिल भी जाता है। शफलेरा काफ़ी सारी वेराइटीज़ में आता है। पॉली बैग में अगर आप इसे परचेस करेंगे तो छोटा प्लांट 50 रुपीज़ में मिल जाता है। मैंने भी इसे 50 रुपीज़ में ही परचेस किया था। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। पूरे साल ये आपके गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए बढ़िया प्लांट होता है। पर्पल हार्ट हैंगिंग बास्केट में सुंदर लगता है। छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं और नर्सरी में ये प्लांट हमें 10 से 20 रुपीज़ में इजीली मिल भी जाता है। तो इस तरह के प्लांट अगर आपको आपके एरिया की नर्सरी में काफ़ी महंगे मिलते हो तो आप गवर्नमेंट नर्सरी में परचेस करिएगा। अपने एरिया की गवर्नमेंट नर्सरी में विज़िट करिएगा, वहाँ पर ये प्लांट काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। यह कैना लिली काफ़ी सारी कलर में ये फ्लावरिंग प्लांट आता है। देख सकते हैं फोलियज भी बहुत ही सुंदर होता है कुछ वेराइटीज़ में और नर्सरी में 20 से 30 रुपीज़ में हमें ईजिली मिल भी जाता है। फाइकस काफ़ी सारे कलर और वेराइटीज़ में ये प्लांट हमें नर्सरी में देखने को मिलता है और अगर आप इसे पॉली बैग में परचेस करेंगे तो छोटा प्लांट हमें 50 रुपीज़ में ईजिली मिल भी जाता है और रेनी सीजन में आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा कर ढेर सारे प्लांट भी बना पाएंगे। मनी प्लांट इंडोर शेड लविंग एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है। शेड में बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और इसकी आप इस तरह की छोटी छोटी कटिंग लेकर इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कि तेज़ी से डिवाइड होने वाले होते हैं, ऐसे प्लांट आपको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए और तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं। डायफेनबेकिया देख सकते हैं बहुत ही सुंदर फोलियज प्लांट होता है, पत्तों के लिए ग्रो किया जाता है और इस छोटे कंटेनर में भी लंबे समय तक रह जाता है। मेरा ये प्लांट लगभग 3 साल का हो चुका है और अभी तक मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है। छोटे से कंटेनर में ग्रो कर रहा है। इसमें अगला प्लांट है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, काफ़ी सारी वेराइटीज़ में मैंने इसे कटिंग से भी ग्रो किया है और केवल ये ही एक प्लांट है जो मैंने परचेस किया था लगभग 20 रुपीज़ में अपने एरिया की गवर्नमेंट नर्सरी में से। और ये है अजवाइन प्लांट। कटिंग से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है और पॉली बैग में हमें 20 से 30 रुपीज़ में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और एक प्लांट इसका भी आप परचेस करेंगे तो कटिंग लगाकर आप इसके ढेर सारे प्लांट बना पाएंगे। इसमें अगला प्लांट है ये मोन्स्टेरा। यही एक ऐसा प्लांट है जो कि काफ़ी महंगा मिलता है। किसी नर्सरी में ये 100 रुपीज़ में मिल जाता है और किसी नर्सरी में इसका प्राइस इससे भी ज़्यादा होता है। और तो और ये कटिंग से भी ईजिली ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग आपको मिल जाए तो आप इसे कटिंग से ही ग्रो कर लीजिएगा। तो ये तो कुछ परमानेंट प्लांट जो कि पूरी गर्मियां हमारे गार्डन को कलरफुल बना के रखते हैं। इनमें से कोई प्लांट आपके गार्डन में ना हो और आप नर्सरी विज़िट करने की सोच रहे तो वहाँ पर इन प्लांट को ज़रूर सर्च करिएगा और मिले तो ज़रूर परचेस करिएगा। और अगर आपके एरिया में ये प्लांट काफ़ी महंगे मिलते हो तो कोशिश करिएगा कि आप कटिंग ही परचेस करके ले आइए। हाँ, लेकिन कटिंग उन्हीं प्लांट की परचेस करिएगा जिनका रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलता हो या फिर जो प्लांट कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हो। और कटिंग ज़्यादा महंगी मत परचेस करिएगा। अगर वो 10 से 20 रुपए में कटिंग दे रहे हो तभी परचेस करिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किया हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।